ओके, वेलकम टू क्लैरी कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग देखने वाला है फ्लूइड की डेफिनेशन। तो फ्लूइड टेक्निकली कैसे डिफाइन किया गया है वो समझने वाला है। अगर आप मैटर को देखेंगे आज इस दुनिया में, तो देयर आर थ्री फॉर्म्स इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। तीन तरह की मैटर होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो जो लिक्विड और गैसेस वाला जो मैटर है उसको जनरली फ्लूइड कैटेगरी में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आप क्या कहते हैं, मैं अगर किसी को पूछ लूँ कि व्हाट इज़ फ्लूइड, आप मुझे ये कहेंगे कि सर फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। तो आपने एग्जांपल पूछूंगा, आप बोलोगे सर वाटर फ्लो कर सकता है, वो फ्लूइड है। जूस फ्लो कर सकता है, वो फ्लूइड है। आपका मिल्क फ्लो कर सकता है, फ्लूइड है। एयर फ्लो कर सकती है, फ्लूइड है। CNG पेट्रोल डीजल फ्लो कर सकते हैं, फ्लूइड है। बट ये जो डेफिनेशन है फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज नॉट द कम्प्लीट वन। मैं अगर कहूँ मेरे हिसाब से, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है फ्लूइड का, जो फ्लो होने का नेचर है वो कैरेक्टरिस्टिक है। फ्लूइड को डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। ये लेमैन्स लैंग्वेज में फ्लूइड ने डिफाइन किया। तो फ्लूइड की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं आज इस लेक्चर में, ठीक है। तो फ्लूइड की डेफिनेशन समझने से पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड किस तरह से बिहेव करता है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू फ्लूइड। तो मान लीजिए मेरे पास अगर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ मैं, दो प्लेट्स है, एक लोअर प्लेट है एक अपर प्लेट है, और इनके बीच में मैं रबर के मटेरियल को पैक कर रहा हूँ। अब रबर का मटेरियल उस तरह से पैक किया हुआ है, अगर मैं इसको फ्रंट व्यू से देखूंगा तो आई विल सी समथिंग लाइक दिस। ये लोअर प्लेट में नीचे दिख रही है, ये रबर है, ये अपर प्लेट है। आप अगर इसको नज़दीक से देखेंगे, ये इस तरह से पैक किया हुआ है कि जो रबर की ऊपर की सरफेस है वो अपर प्लेट के साथ में ग्लूड कर दी है, मतलब स्टिक कर दिया है, और रबर की लोअर सरफेस है वो लोअर प्लेट के साथ में स्टिक कर रखी है। मतलब रबर और कोई भी प्लेट का रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है। अब इस प्लेट को फिक्स रखते हुए, लोअर प्लेट को फिक्स रखते हुए, अगर मैं हुक लगाऊं अपर प्लेट में और प्लेट के पैरेलल एक फोर्स अप्लाई करूं F, तो क्या लगता है क्या होगा? मतलब कि मैं अगर इस अपर प्लेट को F फोर्स अप्लाई करूं एक पर्टिकुलर वैल्यू का, आप देखेंगे कि रबर डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म होगा, उसका शेप बदल जाएगा, कुछ हद तक डिफॉर्म होगा फिर रुक जाएगा। अब वो कितना हद तक डिफॉर्म हो रहा है वो डिपेंड करेगा फोर्स की वैल्यू के ऊपर। इसको अगर मैं जूम करता हूं तो आई विल सी कि आपकी अपर प्लेट फोर्स के कारण आगे बढ़ी हुई है, रबर का शेप चेंज हुआ है, और कितना चेंज हुआ अगर वो ट्रैक करना है तो आप चेक कर सकते हो। पहले रबर की जो ये सरफेस थी वो ऐसी थी वर्टिकल, अब वो चेंज होकर हॉरिजॉन्टल, मतलब इंक्लाइंड हुई है। तो कितने डिग्री तक इंक्लाइंड हुई है, लेट्स से बीटा डिग्रीज तक इंक्लाइंड हुई है। तो अब बीटा जो है वो डिफॉर्मेशन का एंगल है। फोर्स की जो वैल्यू होगी उसके आधार पर बीटा की वैल्यू अलग अलग होगी। मान लो फोर्स आपका इंक्रीज हुआ तो रबर मटेरियल वापस थोड़ा ज़्यादा डिफॉर्म होकर के इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी बीटा की। बट यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की ये रही आप लोगों को कि फोर्स इंक्रीज हुआ, बीटा एंगल चेंज हुआ, थोड़ा बढ़ गया, बट बढ़ने के बाद में जब तक वो फोर्स लगा हुआ है तब तक बीटा एंगल भी वही का वही है, उसमें ना आगे बढ़ती है ना छोटी को कम होती है वैल्यू। मतलब मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन के फोर्स के हिसाब से आपके प्लेट को 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, रबर आपका डिफॉर्म हुआ। तो जब डिफॉर्म हो रहा था एक पर्टिकुलर लेवल पे आके रुक गया है, जब तक 1 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है तब तक ये एंगल जो है वो वही का वही है। एंगल कितना है, फॉर एग्जांपल 3 डिग्रीज का। अब आपने फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, लेट्स से फोर्स आप करोगे 2 न्यूटन। जब इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन बढ़ेगा। मान लो बीटा डिग्री आपका है 6 डिग्रीज, बट बढ़ने के बाद में वो 6 के बाद आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक 2 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है तब तक 6 डिग्री ही डिफॉर्म्ड है। फोर्स जब निकाल दोगे, रिलीज कर दोगे, तो रबर जो है वो अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा। पार्शियली करेगा, फुल्ली करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है कि नहीं, बट आपका वापस रिगेन तो कुछ ना कुछ होगा। अगर मैं फोर्स को और आगे बढ़ाऊँ 5 न्यूटन तो मुझे डिग्री और बढ़ेगा 15 न्यूटन। तो ये बिहेवियर किसका है, सॉलिड बॉडी का। जब आपने शियर फोर्स लगाया तो उस शियर फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड के आधारित एक डिफॉर्मेशन एंगल बनेगा, उतना डिफॉर्म हो करके रुक जाएगा। अब यही एक्सपेरिमेंट हम करते हैं फ्लूइड बॉडी के साथ में। रबर की जगह मैं भरता हूँ वाटर को, लेट से 2 प्लेट है, मान लो कि मैंने पानी भर दिया है दोनों के बीच में। अगेन मैं आगे से देख रहा हूँ, आई विल सी अ फ्रंट व्यू समथिंग लाइक दिस, और मैं ऊपर की प्लेट को खींचता हूँ एक फोर्स है जिसकी वैल्यू F है। अब क्या लगता है आपको क्या होगा इस वैल्यू के साथ में, आपको लगता है? आप अपने आप को इंट्यूटिवली पूछिए, अगर पानी भरा हुआ है, कोई एक बंदा इस फोर्स इस प्लेट को खींच रहा है, तो क्या ये प्लेट एक पर्टिकुलर वैल्यू तक आगे जा करके रुक जाएगी? क्या पानी इसको रोक पाएगा? नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका ये जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूअस होता रहेगा, प्लेट कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती जाएगी। मतलब प्लेट की एक वेलोसिटी बन जाएगी, मान लो v मीटर्स पर सेकेंड। क्योंकि प्लेट कंटिन्यूअसली मूव करेगी, जब तक फोर्स लगा हुआ है तब तक कंटिन्यूअसली मूव करेगी, कोई भी पॉइंट पर रुकेगी नहीं, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो एंगल है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। अब जब भी को कंटिन्यूस मोशन को मुझे अगर डिफाइन करना है या मुझे उसको अंडरस्टैंड करना है तो मैं उसको टाइम फ्रेम में तोड़ दूंगा कि भाई ये कंटिन्यूस मोशन जो हो रहा है वो एक सेकंड में क्या हो रहा है। जैसे अगर ये फैन घूमता है, आप जब फैन बाजार में खरीदने जाओगे फैन या ट्यूबलाइट, तो आपको वाटेज रेटिंग देता है कि भाई ये ट्यूबलाइट जो है, ये बल्ब जो है 20 वाट्स का है। 20 वाट का मतलब क्या है? 20 जूल्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है एक सेकंड में। इसका मीनिंग ये, जब तक आपने बल्ब चालू रखा है तब तक आपको 20 जूल्स एक सेकंड में कंज्यूम कर रहा है वो, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो आप टाइम रेट में उसको एनालाइज करते हैं। सिमिलरली जब ये मूवमेंट कंटिन्यूस है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अगर एंगल चेक करना है, क्या करूँगा, एक सेकंड में एंगल का चेंज कितना हुआ, तो उसको मैं डी बीटा बाई डी टी, मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल के बारे में बात करूंगा। तो फोर्स मान लो एक पर्टिकुलर वैल्यू का आपने लगाया, मान लो 1 N का, तो आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है वो कितना हुआ, मान लो 4 डिग्रीज पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में ये 4 डिग्री आपका डिफॉर्म हो रहा है। डिफॉर्मेशन रुक तो नहीं रहा है, कंटिन्यूस है। तो सवाल ये उठता है कि फिर फोर्स की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, अगर मैं 3 N करूंगा तो फिर यहाँ पर क्या बदलाव आएगा, यहाँ पर इसकी रेट बदल जाएगी। देखिए सॉलिड में क्या हो रहा था, आपने फोर्स बढ़ाया तो एंगल की वैल्यू बढ़ गई, फिर रुक गया एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो डिफॉर्मेशन एंगल की वैल्यू बढ़ चुकी है। बट फ्लूइड में जब फोर्स बढ़ाया तो ये जो कंटिन्यूस डिफॉर्म तो होगा ही होगा, बट उसकी रेट जो है डिफॉर्म होने की, पहले एक सेकंड में 4 डिग्रीज आपका डिफॉर्म हो रहा था, अभी एक सेकंड में 12 डिग्रीज होगा। आप फोर्स अगर मान लो बहुत छोटा कर दे रहे हो, 0.001 N, तो क्या होगा, ये जो रेट है वो रेट बहुत छोटा हो जाएगा, 0.004 डिग्रीज पर सेकेंड। बट अभी भी फ्लूइड आपका डिफॉर्म होगा ही होगा, मतलब कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन चालू ही रहेगा जब तक ये फोर्स लगा हुआ है, छोटा सा फोर्स लगा हुआ है तब तक। तो ये जो है, ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो फ्लूइड को डिफाइन करने के लिए यूज की गई है। तो टेक्निकली फ्लूइड को ऐसे डिफाइन किया जाता है, फ्लूइड is a substance that continuously deforms under the action of shear force, however small the force may be. इसका मीनिंग ये है कि फ्लूइड एक ऐसा बॉडी है जो आप, क्योंकि यह फोर्स आपने लगाया है पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन के पैरेलल लगा है, इसलिए वो shear force कहता है। तो जो shear force अगर फ्लूइड बॉडी के ऊपर लगाओगे तो वो shear force को फ्लूइड बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता रहेगा। चाहे shear force जो छोटा, कितना छोटा भी क्यों ना हो, तब भी वो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता रहेगा। That is what the definition says. A fluid is a substance that continuously deforms. Solid body जो है वो continuous deform नहीं होता है, एक हद तक deform हुआ फिर रुक जाएगा एक particular value of force के लिए। But fluid जो है, आप कितना भी छोटा force लगाओ, continuous आपका deformation होता रहेगा। So this is the exact technical definition of a fluid. अब हम लोग देखते हैं कि तो technical difference fluid और solids में क्या है जो हमने अभी तक पढ़ा है। पहला difference तो यही है कि solid can not resist the shear force under static condition. सॉलिड कैन रेजिस्ट द शीयर फोर्स अंडर स्टैटिक कंडीशन, मतलब आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू का फोर्स लगाया, आपका सॉलिड बॉडी डिफॉर्म हुआ और वहां डिफॉर्म रह के एक टाइम के बाद रुक गया और उसी पोजीशन पर रहेगा जब तक आपने फोर्स लगा के रखा हुआ, मतलब सॉलिड बॉडी कैन रेजिस्ट द फोर्स एट अ पर्टिकुलर स्टैटिक कंडीशन। ठीक है। ऑन द अदर हैंड फ्लूइड कैन नॉट रेजिस्ट शीयर फोर्स अंडर स्टैटिक कंडीशन, मतलब आपने फोर्स लगाया, फ्लूइड कभी भी स्टेडी नहीं हो पाएगा, कंटिन्यूसली मूवमेंट में ही रहेगा। ठीक है, रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। Solid do not keep on deforming continuously under the action of shear force. आपने shear force लगाया तो continuous deformation solid में आप नहीं पाओगे, एक particular angle तक हुआ फिर रुक गया, वो भी इस force की value के ऊपर depend करेगा। On the other hand, fluid जो है वो continuously deform होता रहेगा, so fluid do keep on deforming continuously under the action of shear force, जो हमने देख लिया है। Third point, solid can regain its original shape fully or partially When the shear force is removed, मतलब आपने रबर को या कोई भी मटेरियल को रखा, आपने shear force को रिमूव कर दिया तो आपका शेप जो है वो ओरिजिनल शेप रिगेन हो जाएगा, या पार्शियली या फुली, वो डिपेंड करेगा, बट कुछ ना कुछ रिगेनमेंट जरूर होगा। ऑन द अदर हैंड फ्लूइड जो है वो कभी भी अपना ओरिजिनल शेप जो है वो रिकवर नहीं करेगा। ठीक है। सो दिस आर द 3 टेक्निकल डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर में एटलीस्ट इतना समझ में आया होगा कि भाई सॉलिड और फ्लूइड के बीच का टेक्निकल डिफरेंस क्या है और हाउ फ्लूइड एग्जैक्टली इज डिफाइंड इन टेक्निकल लैंग्वेजेस। ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, होप टू सी यू अगेन।